हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसए एजुकेशनल चैनल। जिहड़ियां पोस्टा आई हैं ही पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट दे विच पोस्टा आई हैं टीचर दी जो पोस्टा हैं वो जिहड़ियां हैं 375 सेंटर हैड टीचर आए हैं ते 1558 इन्हां ने हैड टीचर दी पोस्टा कढ़ियां हैं। ये जिहड़ियां पोस्टा हैं इन्हां दी जिहड़ी अप्लाई करन दी लास्ट डेट है वह वाली 29/3/2019 तक ये पोस्टा आपां अप्लाई कर सकते हाँ। तो ये वाली जिहड़ियां पोस्टा अप्लाई होणगियां वो एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड साइट ते पोस्टा आपां अप्लाई कर सकते हाँ। तो ये वाली पोस्टा तुसीं अप्लाई करन लई मैं तुहानूं इहदी सारी डिटेल दसांगी कि ये पोस्टा आपां क्वालिफिकेशन की है, किन्नियां पोस्टा हन, सारी डिटेल इहदे विच दस रही हाँ। तो इहदे विच जो सेंटर हैड टीचर दीआं पोस्टा हन वह 375 टोटल हन, बाकी इन्हां ने कैटेगरी वाइज सारी डिटेल दे रखी है। इस तों बाद जिहड़ियां हैड टीचर दीआं पोस्टा हन वो वालिया पोस्टा किनिया 1558 पोस्टा टोटल हैं। तो यह सारिया इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कीतिया हुई हैं। तो तुसी ये पोस्टा अप्लाई कर सकते हो। इन्हां दी जो क्वालिफिकेशन है वह है जिहड़ियां सेंटर हैड टीचर दीआं पोस्टा हैं उन्हां विच इन्हां ने अपने तो बैचलर डिग्री मंगी है। बैचलर डिग्री कोई भी हो सकती है, जिवें BSc BA जो भी तुहाडी क्वालिफिकेशन है। तो उस तों बाद प्लस इन्हां ने नाल जां तां फिर ETT होवे तुहाडी ते जां फिर की होवे BEd, कोई भी अप्लाई कर सकदा। तीजा जो इन्हां ने दस्सिया है उहदे विच इन्हां ने की मंगिया होया है, नाल इहदे सेंटर हैड टीचर दे विच 4 साल का प्राइमरी का एक्सपीरियंस मंगिया है, जो 4 साल का प्राइमरी स्कूल का एक्सपीरियंस मंगिया है जो इन्हां ने इत्थे दस्सिया होया है। तो इहदे विच अगे जो है हैड टीचर दीआं पोस्टां हन उहनां विच भी जो क्वालिफिकेशन है वह है BA बैचलर डिग्री या BSc जो भी तुहाडी है, नाल प्लस ETT है। तो ETT तुसीं कर वाले अप्लाई कर सकते हैं ते नाल ही की कर सकते हैं BEd वाले भी इहनूं की कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्हां विच जो है एक्सपीरियंस वह 3 साल का मंगे। जिहड़ियां हैड टीचर ते सेंटर हैड टीचर दोनों दे विच यही फर्क है कि जो इन्हां दी क्वालिफिकेशन है सेम है, पर सेंटर हैड टीचर जो एक्सपीरियंस है वह इन्हां ने अपने तो 4 साल का मंगया है। तो जो अपने को एक्सपीरियंस है हैड टीचर दे विच उन दे विच इन्हां ने 3 साल का एक्सपीरियंस मंगया है। तो ये इन्हां दी जो क्वालिफिकेशन है वह मंगी है इन्हां ने। उस तो अगे इन्हां ने जो सिलेक्शन प्रोसीजर दस्सिया है, सिलेक्शन प्रोसीजर दे विच इन्हां ने की कहा है कि जो सिलेक्शन की जाएगी वह किस बेस पर की जाएगी, वह होगी तुहाडी जिहड़े तुसीं अंक लए हन, प्राप्त अंक मीनस तुहाडे ओबटेन्ड मार्क्स ने उन्हां दी लई जाएगी, उन्हें आधार पर फाइनल मैरिट बनेगी। इस तो बाद जिहड़ियां है इन्हां ने कहा है कि जे मान लो किसी की भी सेम परसेंटेज हो जाती है, मार्क्स सेम हो जाते हैं, तो फिर सब तो जिन्हां दी हाईएसट एज होगी तो उन्होंने इन्हां ने मैरिट दे विच पहला रखा जाएगा। जिवें कि इन्हां ने इत्थे नोट दे विच दिखाया होया है, सब तो वध उम्र होगी उन्हों। उस तो बाद अगर जे उम्र भी सेम हो जाती है तो फिर इन्होंने की कहा है कि जो प्रोफेसनल क्वालिफिकेशन आ, मतलब की है तुहाडी BEd है, उन्दे विच जो मार्क्स होंगे उन्दे आधार पर जिहड़ा है मैरिट विच पहला रखा जाएगा। तो जो इन्हां दी तनखाह है वह किस हिसाब नाल होगी, पंजाब सरकार वित्त विभाग के हिसाब नाल सारी तनखाह दसी जाएगी दिती जाएगी। उस तो बाद जो उम्र है वह है 18 to 37 साल तक, 18 to 37 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी जिहड़ी भी रिजर्वेशन कैटेगरी है उन्हां नूं जिन्नी भी छूट इत्थे दित्ती जांदी है, जिवें 5 साल हो जांदी है SC नूं दित्ती जांदी है, तो 3 साल दित्ती जांदी है दूजे BC कैटेगरी नूं, तां इसे तरह की है उम्र दे हिसाब नाल है। तो जो इन्हां दी अप्लाई करन दी फीस है जनरल लई 1000 रुपया फीस है, तो जो हैगी है SC कैटेगरी उन्हां लई 500 रुपया, तो जिहड़े हैगे है एक्स सर्विसमैन उन्हां दी कोई फीस नहीं है इहदे विच। तां तुसीं की कर सकते हो, इह जिहड़ी हैगी है पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। तो बाकी इन्होंने होर भी जो शर्तें दसिया हुई हैं सारा इन्होंने डिटेल दे विच आपां नूं नोटिफिकेशन दे रखिया है। अगर तुसी अप्लाई करना है इनू तां इन्होंने आपां नूं साइट जो दे रखी है, मैं तुहानूं पहलां जिवें दस्सिया है www.educationrecruitmentboard.com ते जाके अप्लाई कर सकते हो। तो इन्हां दी लास्ट डेट जिवें मैं तुहानूं दस दित्ती है कि 29/3 जो इन्हां दी है अप्लाई करन दी उह लास्ट डेट है। तो तुसी ये पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। तो जे तुसीं इहदी होर भी डिटेल विच जानकारी लैनी है तो इहदा डिस्क्रिप्शन दे विच तुहानूं लिंक दे दिता गया है, तो तुसीं उत्थों इहनूं डाउनलोड करके तो फिर तुसीं इहदी पूरी डिटेल दे विच जानकारी लै सकते हो। अगर
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।